हेलो फ्रेंड्स, मैं पायल गुप्ता आप लोगों का स्वागत करती हूँ रिंग सिक्योर पे। आप मेरे बारे में यहाँ से जान सकते हैं। हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसके अंदर हम श्रीराम आईएएस इकोनॉमी के कंप्लीट नोट्स को डिस्कस करेंगे। इस सीरीज़ में पूरी की टर्म्स डिस्कस की जाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको हम समझेंगे। तो आज के सेशन में हम चैप्टर 1 शुरू करते हैं जिसका नाम है इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। तो जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सब आप यहाँ पीपीटी में देख सकते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी टर्म है, दैट इज इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, के दोनों टर्म में डिफरेंस क्या है। तो इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी एक सोशल एक्टिविटी होती है जिसके अंदर लोग आपस में मिलते हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होता है, कुछ ना कुछ स्टॉक किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ट्रेड किया जाता है और गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम किया जाता है। जब ये सारी सर्विसेज एक जगह मिलके एक सोशल एक्टिविटी का रूप लेती है उसको इकोनॉमी कहा जाता है। देन व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स शब्द जो है ग्रीक वर्ड ओइकोस से और नोमोस से, इन दो शब्द से मिलके बना है। ओइकोस का मतलब होता है फैमिली, हाउसहोल्ड और इस्टेट। नोमोस का मतलब होता है नॉर्म्स एंड लॉज। मतलब क्या हुआ, ये शब्द खुद ही बता रहा है, ओइकोस नोमो, मतलब कि कोई भी कम्युनिटी, कोई भी फैमिली आपस में मिलती है और एक रूल्स और रेगुलेशन के अंडर ट्रेड करती है गुड्स एंड सर्विसेज का, कंजम्पशन करती है गुड्स एंड सर्विसेज का एंड मैनी मोर। तो इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स दो डिफरेंट टर्म्स है। द नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? ये एक क्वांटिटेटिव अप्रोच है, ये एक क्वांटिटेटिव अप्रोच है। क्वांटिटेटिव का क्या मतलब हुआ कि जिसको आप काउंट कर सकते हैं, जिसको आप डिजिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो डिफरेंट टाइम फ्रेम में जितने गुड्स एंड जितनी सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है उनका डिफरेंस इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। देखिए मैं एग्जांपल से बताती हूँ। एक टाइम फ्रेम ए ले लिया हमने, एक टाइम फ्रेम बी ले लिया। बी टाइम है 2018-19 का और ए टाइम फ्रेम है 2017-18 का। मैंने मान लिया कि ए टाइम में 100 रुपीस की गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, बी टाइम में 120 रुपीस की गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाएगा? प्लस 20, 120 माइनस 100 प्लस 20। इन केस अगर ये डिफरेंस नेगेटिव आता है, मतलब कि 17-18 में 100 रुपीस का प्रोडक्शन हुआ है और 18-19 में 80 रुपीस का प्रोडक्शन हो रहा है, इट मींस डिफरेंस नेगेटिव में आएगा और इसको क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा कि ग्रोथ नहीं हुई, वो डी ग्रोथ हुई है, यानी हम नेगेटिव में चले गए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ तो देखिए हमने जाना कि क्वांटिटेटिव डिफरेंस है, क्वांटिटेटिव टर्म है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? एक क्वालिटेटिव टर्म है, ये क्वालिटी को दिखा रहा है। किसकी क्वालिटी को? लाइफ की क्वालिटी को, कि हमारी एजुकेशन कैसी है, हमारा कल्चर कैसा है, हमारा हेल्थ कैसा है, स्कूलिंग कैसी है, हमारी सोसाइटी कैसी है, इन सब चीज़ों का ओवरऑल डेवलपमेंट ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाता है। लेट मी चेक एम आई ऑडिबल और नॉट, वेट अ मिनट। ओके, हर 10 मिनट के बाद मैं आप लोगों की क्वेरीज लूंगी जिसमें आप लोग अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। तो कंसंट्रेशन से इस सीरीज को कंप्लीट करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हमने समझा है। देन व्हाट इज मैक्रो, माइक्रो एंड मीजो इकोनॉमिक्स? देखिए क्लास प्लस टू में भी आप लोगों ने समझा होगा कि मैक्रो, माइक्रो, मीजो इकोनॉमिक्स क्या होता है। मैं एक बार फिर आपको यहाँ पे डिस्कस कर दूँ और ये जितने भी शब्द हैं ये मैंने श्रीराम इकोनॉमी के नोट्स से ही कॉपी किए हैं, तो आप लोगों को वहाँ से भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैक्रो इकोनॉमी क्या होता है? मैक्रो शब्द अगर इंग्लिश के अंदर हम देखें तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लार्ज, मतलब लार्ज स्केल पे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, जब इकोनॉमी का कोई भी कंसेप्ट ऑल ओवर वर्ल्ड बात कर रहा है, ऑल ओवर नेशन बात कर रहा है, हम पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, तो वो एक मैक्रो इकोनॉमी का कंसेप्ट होगा। जैसे नेशनल इनकम, नेशनल इनकम किसी एक इंसान की नहीं होगी, पूरे इंडिया की होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ, पूरे इंडिया की ग्रोथ होगी। इन्फ्लेशन, पूरे इंडिया की इन्फ्लेशन होगी। एम्प्लॉयमेंट, फॉरेन ट्रेड, पॉवर्टी, ये सारे क्या है? नेशनल लेवल पे देखे जाते हैं।
इसलिए इसको क्या कहा गया है, मैक्रो लेवल यानी मैक्रो इकोनॉमी। इसके ही ऑपोजिट माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, देखिए माइक्रो इकोनॉमी डील करता है केवल एक यूनिट से, मैं कह सकती हूँ किसी पर्सन ए से, किसी पर्सन बी से, मतलब ये इंडिविजुअल लेवल पे आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कह दिया कि पर्सन ए की इनकम 100 रुपीज़ है और इन 100 रुपीज़ की वजह से उसने मार्केट में इतनी डिमांड प्रोड्यूस की है, हम यहाँ पे पूरे नेशन की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम केवल एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, मतलब बहुत ही लो स्केल पे बात कर रहे हैं, इसे क्या कहा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। मीजो इकोनॉमिक्स क्या होता है, दिस इज अ टर्म इंटरमीडिएट बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो, ये ना तो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल है ना ही बहुत ज़्यादा माइन्यूट स्केल है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं मैक्रो का एग्जाम्पल लेती हूँ तो हमने मान लिया कि मेल फीमेल जितने भी कम्युनिटी वर्ल्ड के अंदर है उनकी इनकम एक्स रुपीज़ है, मतलब हम पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं। माइक्रो में मैंने ले लिया किसी पर्सन ए की इनकम इतनी है, वाई रुपीज़ है, हमने इंडिविजुअल लेवल पे बात कर ली। मीजो में मैंने क्या कह दिया कि इंडिया के अंदर फीमेल की इनकम इतनी है। अब हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक सेक्टर को चुन रहे हैं, हमने ऑल ओवर इंडिया की बात नहीं की है, हम पर्टिकुलर एक सेक्टर की बात कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या नाम दिया है, मीजो इकोनॉमी। और यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे हैं कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में हमने दो अलग सेक्टर चुन लिए हैं, ऑटो इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब टॉपिक का सब टॉपिक, पार्ट का सब पार्ट मीजो इकोनॉमी का एग्जाम्पल होगा। आगे बढ़ते हैं, अगली जो टर्म है नोट्स में, दैट इज पॉलिटिकल इकोनॉमी। इस नाम से ही पता लग रहा है इसके अंदर दो शब्द हैं, एक है पॉलिटी एंड दैट इज एंड द अदर इज इकोनॉमी। देखिए क्या होता है, जब भी कोई पॉलिटिकल डिसीजन लिया जाता है उसका कुछ ना कुछ इकोनॉमिक इम्पैक्ट जरूर होता है, तो पॉलिटिकल डिसीजन लेने से पहले गवर्नमेंट इस चीज़ को ध्यान में रखती है कि इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन किस तरीके से इकोनॉमी को इफेक्ट करता है, दैट इज पॉलिटिकल इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल लैंड रिफॉर्म का एक पॉलिटिकल डिसीजन लिया गया था, लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे और इस लैंड रिफॉर्म की वजह से बहुत सारा इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे देखा गया, बहुत सारा इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट पे देखा गया, डिमांड एंड सप्लाई पे देखा गया, बिजनेस साइकिल पे देखा गया, मतलब बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट था लैंड रिफॉर्म का। तो इस तरह का जो स्कूल ऑफ इकोनॉमी है दैट इज पॉलिटिकल इकोनॉमी, जहाँ पे पॉलिटी जुड़ी हुई है इकोनॉमी से। नेक्स्ट टर्म इज ग्रीन इकोनॉमिक्स। ग्रीन इकोनॉमिक्स देखिए क्या होता है, हम बहुत सारी इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लेते हैं लेकिन उस सब इकोनॉमी डेवलपमेंट के अंदर हम लोग एनवायरमेंट को भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने बहुत सारी इंडस्ट्री लगा ली, अब इस इंडस्ट्री के अंदर कोल का ओवर यूज करते चले गए, एक टाइम आएगा जब कोल खत्म हो जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो जाएगा, मतलब जो हमारी डेवलपमेंट है वो सस्टेंड नहीं रहेगी। तो कोई भी इकोनॉमी का वो स्कूल जो सस्टेनेबिलिटी इशू को ध्यान में रखता है, जो हमारी ग्रोथ को, हमारी डेवलपमेंट को सस्टेनेबल बनाए रखे और ह्यूमन का और नेचर का एक हारमोनियस इंटरेक्शन बनाए रखे, उस स्कूल ऑफ इकोनॉमी को ग्रीन इकोनॉमी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ये सब क्या है, इसके अंदर हंगर, पॉवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन, स्कूलिंग, एनवायरमेंट, कार्बन सिंक, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा हुआ है, इट इज़ अ ग्रीन इकोनॉमिक्स। अब प्रश्न ये उठता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्यों हम इकोनॉमिक ग्रोथ को जो एक क्वांटिटेटिव टर्म था उसको क्यों हम मेजर करते हैं, क्यों हमें जीडीपी की जरूरत पड़ती है, अगर जीडीपी ना होता तो क्या होता। देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ हमने समझा ये एक क्वांटिफाई टर्म है, मतलब डिजिट्स के अंदर हम इसको माप रहे हैं। जिस तरीके से भारत के अंदर एजुकेशन को एक स्कोर कार्ड से दिखाया जाता है, हमारा एक रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है, एक रिपोर्ट कार्ड मिलता है हमको स्कूल से, वो रिपोर्ट कार्ड क्या बताता होता है कि हमारी डेवलपमेंट इतनी हुई है, हमने इस साल इतना बूस्ट किया है या हम इतना नीचे गए हैं, हमको अपने ऑब्जेक्टिव, अपने एम अगर अचीव करने हैं तो हमको ये काम करना पड़ेगा, हमको इतना स्कोर करना पड़ेगा। सेम केस होता है गवर्नमेंट का यानी इकोनॉमी का, वो हमारा रियल पोटेंशियल बता रहा है, जीडीपी या कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा रियल पोटेंशियल बताती है, हमारी अचीवमेंट्स बता रही है, हमारी डेवलपमेंट बता रही है, किसी भी गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव के लिए टैक्स रेवेन्यू कितना आ रहा है वो बता रही है, हमें भविष्य के लिए ऑब्जेक्टिव सेट कितने करने हैं उसका पता लगता है, हमारे टारगेट्स का पता लगता है, पॉवर्टी कितनी है देश में और कितनी एलिविएट करनी है, इन सब चीज़ों का इकोनॉमिक ग्रोथ बताती है। तो इसलिए ज़रूरी होता है किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ को आंकना या जांचना। तो यही वजह है
कि साइमन कुज़नेट ने एक नोशन दिया 1930 के अंदर. साइमन कुज़नेट ने 1930 में ये बताया कि नेशनल इनकम का कंसेप्ट क्या होता है, कि क्यों नेशंस को अपनी इनकम का जायज़ा लेना चाहिए, क्यों नेशन को जीडीपी और जीएनपी निकालना चाहिए. तो यहाँ से हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है, दैट इज़ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जीडीपी, जीएनपी एंड सो ऑन. इससे पहले मैं आप लोगों को छोटी सी जानकारी दे दूँ, अगर आप में से कोई भी बच्चा अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहता है तो इस रेफरल कोड को यूज़ करके आप डिस्काउंट ले सकते हैं. रेफरल कोड आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, दैट इज़ RANK10. देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन के एंड वन, मतलब रैंक 10 पूरा लिखा जाएगा, देयर इज़ नो स्पेस इन बिटवीन दैम. अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं. अब बिल्कुल ध्यान से समझना, मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में आप लोगों को समझा रही हूँ. यहाँ तक अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे. Am I audible, guys? Please reply. Am I audible? Okay, Abhishek. तो मैं मान के चल रही हूँ आप लोगों को यहाँ तक कोई डाउट नहीं है. आगे बढ़ते हैं हम, हमारा कंसेप्ट नेक्स्ट है जीडीपी. अब बिल्कुल पेशेंस से और बिल्कुल ध्यान से पूरी कंसंट्रेशन के साथ इन कंसेप्ट्स को समझना. जीडीपी देखो क्या होता है, किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में, किसी भी एक कैलेंडर ईयर लगा लीजिए आप, किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस हुआ है, जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, उस प्रोडक्शन की मार्केट वैल्यू को जीडीपी कहा जाता है. एक एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल, एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर में देश में 10 केजी वीट का प्रोडक्शन हो रहा है और इस 10 केजी वीट की मार्केट वैल्यू है 10 रुपीज़ पर केजी. तो इस हिसाब से हमारा जीडीपी कितना आ जाएगा, 10 × 10, दैट इज 100 रुपीज़. तो एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उनकी मार्केट वैल्यू को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है. देखिए इसमें हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. डोमेस्टिक शब्द आपको क्या बता रहा है, डोमेस्टिक बता रहा है हमारी कंट्री, यानी हम जितना भी प्रोडक्शन देखेंगे वो विद इन अ कंट्री देखेंगे. एक एग्जाम्पल से समझिए आप लोग, मान लीजिए ये भारत की बाउंड्री है, ये इंडिया की बाउंड्री है. मैं इंडिया की जीडीपी के बारे में बात करती हूँ. इस इंडिया के बाउंड्री के अंदर बहुत सारे फॉरेनर सिटीजन भी हैं, बहुत सारे फॉरेनर्स भी हैं, बहुत सारे इंडियन सिटीजन भी हैं. मैंने मान लिया इंडियन सिटीजन ने एक्स रुपीज़ का प्रोडक्शन किया, फॉरेनर सिटीजन ने वाई रुपीज़ का प्रोडक्शन किया. जब हम जीडीपी निकालेंगे, यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालेंगे, हम अपनी बाउंड्री में चाहे वो किसी भी सिटीजनशिप का हो सभी की प्रोडक्शन को ऐड कर देंगे, यानी हमारी जो जीडीपी आएगी दैट विल बी एक्स प्लस वाई. तो जो जीडीपी है वो एक ज्योग्राफिकल कंसेप्ट है, हम ज्योग्राफी को ध्यान में रख के, हम बाउंड्रीज को ध्यान में रख के जीडीपी कैलकुलेशन करते हैं. अब देखिए ये अलग अलग टर्म है जो आपको आगे नोट्स में, स्लाइड्स में मिल भी जाएंगी. पहले मैं आपको यहाँ पे बेसिक टर्म्स में समझा दूँ कि डिफरेंस क्या होता है जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट एंड जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. सबसे पहले अभी हमने समझा कि जीडीपी क्या है, अभी हमने जाना कि जीडीपी क्या है. जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका पहला टर्म है. देखिए पहला टर्म आता है ग्रॉस और एक टर्म होता है नेट. इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक तरफ है ग्रॉस, एक तरफ है नेट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है. ग्रॉस में एक एग्जांपल लेती हूँ. मान लीजिए कोई कार है, कोई गाड़ी है जिसकी आज वैल्यू है 4 लाख और आफ्टर ए ईयर इसकी वैल्यू हो जाती है 3 लाख. तो इसके अंदर
समय के साथ, टाइम के साथ कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन हुआ है। डेप्रिसिएशन कितना हुआ है? 1 लाख का। 1 लाख का डेप्रिसिएशन हो गया। तो जो हमारी ब्रांड न्यू कार थी उस समय उसके जितनी वैल्यू थी वो उसकी ग्रॉस वैल्यू थी, और जो आज के समय यानी आफ्टर ईयर उसकी जो वैल्यू है दैट इज अ नेट वैल्यू। तो ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस आया? अगर हमको ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। कैसे? जैसे हमको 4 लाख से 3 लाख की तरफ जाना था तो हमने क्या किया, जो भी डेप्रिसिएशन आया उसको माइनस कर दिया। तो ग्रॉस से नेट की तरफ जाते हुए हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। मैथ्स में जैसे हम इक्वेशन को इन्वर्स कर देते हैं, नेट से ग्रॉस में जाते हुए हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन। तो ये फॉर्मूला कैसे यूजफुल होगा? हमें गिवन है मान लीजिए जीडीपी, हमें जाना है एनडीपी पे। एनडीपी क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हम देखेंगे डीपी एनडीपी बोथ आर सेम, सिर्फ फर्क कितना है, किसका है इन दोनों में? ग्रॉस का एंड नेट का। तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट। तो हम फॉर्मूला क्या बना देंगे? जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी और एनडीपी में क्या डिफरेंस होता है या क्या रिलेशन होता है डेप्रिसिएशन का, वो हमने जाना। हम आगे समझते हैं कि जीएनपी क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, जीएनपी क्या है। एक तरफ हमें दे दिया जीडीपी और दूसरी तरफ हमें दे रखा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यहां है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक मैंने क्या कहा था? इट इज अ विद इन ए कंट्री, किसी भी एक कंट्री की बाउंड्री में किसी भी देश का बंदा, किसी भी सिटीजनशिप लिए हुए कोई भी इंसान अगर कुछ भी वैल्यू प्रोड्यूस करता है तो वो सब जीडीपी में काउंट होगा। इंडिया के अंदर कोई चाइनीज इंडस्ट्री लगी हुई है, मान लीजिए कोई चाइना की इंडस्ट्री लगी हुई है, कोई यूएसए की इंडस्ट्री लगी हुई है, तो उन सब इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन जीडीपी में काउंट होगा। जीएनपी में क्या होता है? मैंने माना ये इंडिया की बाउंड्री अगर मैं लूँ, मैंने मान लिया यहाँ पे एक पर्सन है ए जो इंडियन सिटीजन है, जो इंडियन सिटीजन है, ए इंडियन सिटीजन मान रहे हैं हम। इसने अर्न किए या इसने प्रोड्यूस किए 10 रुपीज, 10 रुपीज की वैल्यू इसने प्रोड्यूस कर दी। बी जो पर्सन है वो अमेरिका से बिलोंग करता है और उसने 5 रुपीज की वैल्यू एक ईयर में प्रोड्यूस की है। सी जो पर्सन है वो मान लीजिए जापान से बिलोंग करता है, जापान का सिटीजन है और उसने 2 रुपीज की वैल्यू को प्रोड्यूस किया है। हमें निकालनी है जीडीपी, तो जीडीपी विद इन अ बाउंड्री होती है तो क्या आ जाएगा? 10 + 5 + 2 दैट इज 17 रुपीज, ये जीडीपी आ गया। अब अगर मुझे जीएनपी निकालना है तो मैं क्या देखूंगी? हम देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में, ये अमेरिका है मान लीजिए, यहाँ पे कितने इंडियंस रहते हैं, यहाँ पे कितने इंडियन सिटीजनशिप लिए हुए लोग रह रहे हैं। मैंने मान लिया यहाँ कोई पर्सन है एक्स नाम का और वो 2 रुपीज का वैल्यू प्रोड्यूस करता है एक साल के अंदर। अब हमें अपने देश की जीएनपी निकालनी है। हम क्या करेंगे जीएनपी निकालने के लिए? जितने भी फॉरेन सिटीजन्स इंडिया के बाउंड्री में रह के प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको माइनस कर देंगे। यानी हमारी जीडीपी में से जो 17 रुपये आई थी, जो 17 रुपीज आई थी, उसमें से माइनस कर दिए मैंने यूएसए के 5 रुपीज, उसमें से माइनस कर दिए मैंने जापान के 2 रुपीज, और उसमें मैं ऐड क्या कर दूंगी? जो इंडियन सिटीजन्स फॉरेन में बैठ के प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी प्लस कर दूंगी 2 रुपीज। तो हमारी जो जीएनपी आ जाएगी दैट विल बी 12 रुपीज, 17 - 5 = 12 रुपीज। तो जीएनपी कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया? जीएनपी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, समझिए इसे। जीडीपी में हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड प्लस कर दिया। इसका मतलब क्या है ध्यान से समझो। जीडीपी में जो 17 रुपीज आई थी हमारी एग्जांपल के अकॉर्डिंग, उसमें मैंने वो सारी चीज़ ऐड कर दी जो फॉरेन से इनकम हमें हो रही थी, यानी जो इंडियन सिटीजन फॉरेन में बैठ के प्रोडक्शन कर रहे थे, यानी इनकम फ्रॉम अब्रोड मैंने प्लस कर दिया। इनकम फ्रॉम अब्रोड मैंने प्लस कर दिया और माइनस क्या कर दिया? जो जापान और यूएसए के बंदे भारत में बैठ के प्रोडक्शन कर रहे थे उनकी प्रोडक्शन को हमने माइनस कर दिया, यानी इनकम टू अब्रोड हम लोगों ने माइनस कर दिया। तो ये जो आंसर निकल के आएगा जीडीपी में, प्लस इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस इनकम टू अब्रोड, ये हमारा जीएनपी कैलकुलेट हो जाएगा।
और इसी को ही क्या कहते हैं, जो हमने प्लस माइनस किया है फॉरेन की इनकम, इसी को ही कहा जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। क्या कहा जाता है इसे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी जीडीपी में जब हम एनएफआईए को प्लस कर देंगे, एनएफआईए को जोड़ देंगे, तो जीएनपी कैलकुलेट हो जाएगा। जीडीपी जीएनपी से लार्ज भी हो सकता है, जीडीपी जीएनपी के बराबर भी हो सकता है, और जीडीपी जीएनपी से छोटा भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। यहाँ तक अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नसीम का क्वेश्चन शायद क्लियर हो गया है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था एम्बेसडर को लेके, और एक क्वेश्चन ऊपर डेप्रिसिएशन को लेके पूछा हुआ है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। मैं क्लियर कर दूंगी डेप्रिसिएशन क्या होता है। इसको कंजम्पशन भी कहते हैं कि एक साल के अंदर कंज्यूम कितना हो रहा है। जैसे कोई भी आपके पास कोई भी मटीरियलिस्टिक थिंग है, आफ्टर अ ईयर इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू डिग्रेड हो जाएगी। जितनी वैल्यू डिग्रेड होती है उसे उसका डेप्रिसिएशन कहा जाता है, और जब ग्रॉस और नेट में हम डिफरेंस देखते हैं वो डेप्रिसिएशन होता है। अब जीडीपी कब जीएनपी से बड़ा होगा और जीडीपी कब जीएनपी से छोटा होगा या उसके बराबर होगा, उसको समझते हैं। अगर आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी है, अगर क्लोज्ड इकोनॉमी है, फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया है, क्लोज्ड इकोनॉमी है, ना तो फॉरेनर्स वहां जा रहे हैं ना वहां के सिटीजन्स किसी दूसरे देश में जा रहे हैं, तो जो काम हो रहा है इनका विद इन अ बाउंड्री हो रहा है, तो इसका जीडीपी जो है वो बड़ा होएगा जीएनपी से। जीडीपी नॉर्थ कोरिया का बड़ा हो जाएगा जीएनपी एनपी से। इंडिया के अंदर क्या केस है? इंडिया का भी जो जीडीपी है, इंडिया का जीडीपी वो बड़ा है जीएनपी से, क्योंकि इतना ज्यादा हमारा फॉरेन ट्रेड नहीं होता है एज कंपेयर टू अदर इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी में जीडीपी बड़ा होगा जीएनपी से, ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और इक्वल भी हो सकता है। अगर मैं बात करूँ चाइना की, एक टाइम था जब चाइना का जीडीपी बड़ा था जीएनपी से, फिर एक समय आया जब जीडीपी बराबर हुआ जीएनपी के। अब क्या हो रहा है, वहाँ पे जीडीपी स्मॉल हो गया है जीएनपी से। उसकी वजह क्या है? उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसकी वजह से बहुत सारे फॉरेनर्स उनके यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, और बहुत सारे चाइनीज इंडस्ट्री फॉरेन के अंदर हो रहा है, यानी फॉरेन ट्रेड इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से चाइना का जीएनपी जो है वो अब बड़ा होता जा रहा है जीडीपी से। टैक्स हैवन नेशंस जितने भी है, जहाँ पे टैक्स बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करता, वहाँ पे जीडीपी लार्ज होगा जीएनपी से। तो ये कुछ कंसेप्ट थे जीडीपी और जीएनपी से रिलेटेड। अगर हम बात करें कि जीएनपी हमने समझ लिया, जीडीपी हमने समझ लिया, अगर बात आती है एनएनपी की, तो आप लोग आसानी से, अब अगर हमको जीएनपी से एनएनपी पे मूव करना हो, देखिए नेशनल प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट सेम है, किन टर्म्स का फर्क है? ग्रोस का एंड नेट का। जीएनपी में से अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हमें एनएनपी मिल जाएगा, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, और यही नेट नेशनल प्रोडक्ट हमारे देश की नेशनल इनकम होती है। आगे समझेंगे उसे। जीडीपी और जीएनपी में से बेटर कौन है? जीडीपी को बेटर माना गया है जीएनपी से। इसकी वजह क्या है? जीडीपी कहाँ पे हो रहा है? अपने देश के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, हमारी नेशन के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर, यानी विद इन अ बाउंड्री, जितना प्रोडक्शन हो रहा है विद इन अ बाउंड्री हो रहा है। अगर जीडीपी डोमेस्टिक प्रोडक्शन कर रहा है तो ऑब्वियस है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इन्फ्लेशन, एक हेल्दी इन्फ्लेशन रहेगी, टैक्स जनरेशन ज़्यादा होगा, टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा क्रिएट होगा, और एक्सपोर्ट भी हम कर सकेंगे, जिसकी हेल्प से फॉरेन करेंसी हमको मिलेगी, और फॉरेन करेंसी आने से हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, जो ऑल ओवर वर्ल्ड भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जीडीपी जो भारत की है वो जीएनपी से ज़्यादा है, और चाइना की जीएनपी मोर देन है जीडीपी से।
नेशनल इनकम क्या होती है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ पे एक नया टर्म आया है फैक्टर कॉस्ट। देखिए दो टर्म होती है, एक होती है मार्केट कॉस्ट और एक होता है फैक्टर कॉस्ट। दोनों में क्या फर्क है? आप फैक्टर को समझिए फैक्ट्री शब्द से। मान लीजिए कुछ भी, मैं मान रही हूँ टी शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, उस टी शर्ट बनाने में जितना रियल कॉस्ट लगा है, जितनी भी लागत लगी है उस टी शर्ट को बनाने में, वो उसका फैक्टर कॉस्ट होगा। जैसे ही वो सामान मार्केट में बिकने के लिए गया, उसमें बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड हो जाएंगे उसके ऊपर, एक्साइज जो अब जीएसटी का रूप ले चुका है, इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड हो जाएंगे और माइनस कर दी जाएगी उसमें से सब्सिडीज, यानी सरकार जितनी भी सब्सिडीज दे रही है उन प्रोडक्ट्स के ऊपर वो माइनस कर दिया जाएगा। अब जो ये वैल्यू निकल के आएगी वो उसकी मार्केट कॉस्ट होगी। तो जो नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है वो फैक्टर कॉस्ट पे जब निकाला जाता है वही हमारी नेशनल इनकम होती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। नेशनल इनकम इज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब इनडायरेक्ट टैक्स आप समझ रहे हैं, देखिए यहाँ एक लिंक है जीडीपी का और इनडायरेक्ट टैक्सेस का। यही वजह है कि बजट के अंदर टैक्स टू जीडीपी रेशियो हर समय देखी जाती है। टैक्स टू जीडीपी लिंक क्या है इसको समझिए। अगर आउटपुट ग्रो होता जा रहा है लेकिन टैक्स बायोलॉजी उस हिसाब से इंक्रीज नहीं होती है, इसके दो मतलब हैं, या तो हमारा नॉन टैक्स पार्ट इंक्रीज हो रहा है या कहीं ना कहीं टैक्स इवेजन हो रहा है। क्या मतलब हुआ इसका, ध्यान से समझो। फॉर एग्जाम्पल किसी ए इंसान की इनकम 100 रुपीज थी, ए इंसान की इनकम 100 रुपीज है, जैसे ही उसकी इनकम 200 रुपीज हुई वो डिमांड को बूस्ट करेगा, डिमांड बूस्ट होगी तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो जीडीपी इंक्रीज होगी, और जीडीपी इंक्रीज होते ही यहाँ पे जैसे ही इनकम इंक्रीज हो रही है तो हमारा इनकम टैक्स भी इंक्रीज होगा, यानी देश के पास टैक्स रेवेन्यू ज्यादा होगा। अब अगर ऐसा हो जाए कि प्रोडक्शन तो बढ़ता जा रहा है यानी जीडीपी तो बढ़ता जा रहा है लेकिन टैक्स कलेक्शन हो ही नहीं रहा, इसका मतलब क्या हुआ, वो जो टैक्स है वो बायोंट नहीं रहा। इसके दो केस हैं, या तो टैक्स इवेजन हुआ है या ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन हुआ है जीडीपी में ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन हुआ है जिसपे टैक्स ना के बराबर लगता है या लगता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, जीडीपी में तो ग्रो हो जाएगा एग्रीकल्चर ग्रो होने से लेकिन टैक्स रेवेन्यू के अंदर कुछ इंक्रीज नहीं होगा, या ये दोनों ही केस हो सकते हैं कि नॉन टैक्स पार्ट इंक्रीज हो रहा है या टैक्स इवेजन हो सकता है। तो इसे टैक्स बायोंसी के साथ भी जीडीपी को जोड़ के देखा जाता है जिसे टैक्स टू जीडीपी रेशो कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये दो अलग टर्म है, एक्चुअल जीडीपी एंड पोटेंशियल जीडीपी। इससे पहले आप लोगों के जो डाउट्स हैं उसे देख लेती हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं दो नई टर्म की तरफ, जिसमें एक है एक्चुअल जीडीपी और दूसरी है पोटेंशियल जीडीपी। एक्चुअल जीडीपी एंड पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है? एक्चुअल यानी रियल, जो वास्तविक में जो रियलिटी में देश के अंदर प्रोड्यूस हुआ है, दैट इज एक्चुअल जीडीपी। अब इस एक्चुअल जीडीपी को बहुत तरीके से बढ़ाया भी जा सकता है। सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, सोशल वेलफेयर को बढ़ाने के लिए बहुत सारी स्कीम चला दी, जैसे फ्री में गेहूं बांटना। अब प्रोडक्शन तो बढ़ गया, जीडीपी तो बढ़ गया, लेकिन वो एक्चुअल जीडीपी नहीं कहलाएगी, वो पोटेंशियल जीडीपी होगी। बहुत सारी सब्सिडीज दे दी गवर्नमेंट ने अगर, तो वहाँ पे कंजम्पशन बढ़ाने के लिए सब्सिडीज दी है, लेकिन गवर्नमेंट ने वास्तविकता में जीडीपी नहीं बढ़ाई है। मान लीजिए इंटरेस्ट रेट को लो कर दिया, अब इंटरेस्ट रेट अगर लो हो जाते हैं तो आप लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा, मनी ज़्यादा हो जाएगी, आप लोग लोन ज़्यादा लोगे, लोन ज़्यादा लेने से आप लोग डिमांड ज़्यादा करोगे,
डिमांड ज्यादा करने से प्रोडक्शन ज्यादा होगा और देश की जीडीपी ग्रो होगी, लेकिन ये इन्फ्लेशन को बढ़ा देगा क्योंकि आपके पास पैसा ज्यादा हो गया है, आप लोग डिमांड ओवर डिमांड कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट रेट लो तो कर दिए, जीडीपी भी बढ़ गया है लेकिन हमारा पोटेंशियल जीडीपी नहीं बढ़ा है। पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है? जो सस्टेन्ड रहे, जिसमें बिना छेड़छाड़ किए हकीकत में हमारे देश का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। पोटेंशियल जीडीपी क्या है? सस्टेनेबल होता है और इकोनॉमी को बिना एक नेगेटिव इफेक्ट यानी बिना इन्फ्लेशनरी इफेक्ट के अगर जीडीपी इंक्रीज होती है तो वो हमारी पोटेंशियल जीडीपी होती है। अगर एक्चुअल जीडीपी ज़्यादा है और पोटेंशियल जीडीपी कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ स्कीम्स दी है, कुछ ना कुछ रेट को लो किया है और उसकी हेल्प से डिमांड को इंक्रीज कर रहे हैं। जब भी एक्चुअल जीडीपी ज़्यादा होगी पोटेंशियल जीडीपी से, उस केस में इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, और जब कभी भी पोटेंशियल जीडीपी ज़्यादा होगी एक्चुअल जीडीपी से, उस केस में देश के अंदर इन्फ्लेशन नहीं है, मतलब वो एक सस्टेनेबल ग्रोथ है, किसी भी कंट्री के लिए अच्छा है। एक्चुअल जीडीपी के और कैसे छेड़छाड़ हो सकती है? अगर हम अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर रहे हैं, जानबूझ के अपनी करेंसी को वीक कर रहे हैं, तो उस केस में हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा। एक्सपोर्ट इंक्रीज होने से हमें जीडीपी बढ़ी हुई तो दिखेगी लेकिन वो सस्टेन्ड नहीं रहेगी बहुत ज़्यादा समय तक, मतलब हमारी पोटेंशियल जीडीपी इंक्रीज नहीं हो रही है। एक्चुअल जीडीपी तो इंक्रीज हो रही है लेकिन पोटेंशियल जीडीपी इंक्रीज नहीं हो रही है। तो ये दो टर्म है, एक्चुअल जीडीपी एंड पोटेंशियल जीडीपी, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब ये एक टर्म है आउटपुट गैप। एक्चुअल गैप, एक्चुअल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी के बीच में जो डिफरेंस आता है उसको आउटपुट गैप कहा जाता है। अगर ये डिफरेंस पॉजिटिव आता है तो मतलब क्या हुआ, वो एक पॉजिटिव गैप कहलाएगा। अगर वो डिफरेंस नेगेटिव आता है तो उसे नेगेटिव गैप कहेंगे। अब प्रीलिम्स के अंदर साफ साफ क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन इन्फ्लेशन को बूस्ट करेगा, पॉजिटिव आउट गैप, नेगेटिव आउट गैप। तो हमेशा पॉजिटिव आउट गैप, मतलब जब आपकी एक्चुअल जीडीपी तो ज़्यादा है और पोटेंशियल जीडीपी कम है, उस केस में पॉजिटिव आउट गैप आएगा और वो हमेशा इन्फ्लेशनरी होगा नेचर में, बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे हम। आगे जो टर्म है दैट इज पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा यानी हर इंसान के पास कितनी इनकम हो रही है, दैट इज टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। कितनी नेशनल इनकम है और कितने उस देश के अंदर पॉपुलेशन है, इन दोनों का डिवीजन हमें पर कैपिटा इनकम देता है। जैसा अभी के लिए भारत में लगभग 1,12,000 के करीब पर कैपिटा इनकम भारत की आती है। नेशनल इनकम के मेथड्स क्या क्या है, कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है, यहाँ तक कुछ भी डाउट है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ भी अगर आप लोगों को डाउट है यहाँ तक मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पोटेंशियल एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ दिवाकर। दिवाकर कुमार का प्रश्न है कि पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है। देखिए एक्चुअल जीडीपी क्या है, एक्चुअल जीडीपी सिंपली जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है वो एक्चुअल है, लेकिन ये जरूरी नहीं है गुड्स एंड सर्विसेज लोगों की डिमांड प्रोड्यूस कर रही है। हो सकता है गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी स्कीम लेके आए हैं जिसकी वजह से ये डिमांड ग्रो कर रही है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए इंटरेस्ट रेट लो कर दिए, इंटरेस्ट रेट लो कर दिए, जो बैंक 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप लोगों को लोन दे रहे थे, उन बैंक्स ने मान लीजिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन देना शुरू कर दिया। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, आप लोग लोन ज़्यादा लाएंगे जिसकी हेल्प से आप लोगों के पास मनी ज़्यादा हो गई, आप लोग डिमांड ज़्यादा करोगे, डिमांड ज़्यादा करने की वजह से ऑब्वियस है हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन क्या ये लो इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी को बेनिफिट करेगा, और अगर आज के टाइम में कर भी रहा है तो कितने टाइम तक ये सस्टेन्ड रहेगा? पोटेंशियल जीडीपी होता है कि विदाउट इन्फ्लेशन को इंक्रीज किए, यानी खुद से ही
जब जीडीपी इंक्रीज हो रही है उसे पोटेंशियल जीडीपी कहा जाता है। आप यहाँ पे डेफिनेशन भी देख सकते हैं पोटेंशियल जीडीपी की, कि लेवल ऑफ आउटपुट दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस सस्टेनेबल, लंबे समय तक रहे, सस्टेन्ड रहे और इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन जनरेट ना करे, उसे पोटेंशियल जीडीपी कहते हैं। मतलब वो भारत की एक असली जीडीपी होगी, वास्तविक जीडीपी होगी, जो हमारी एक स्ट्रेंथ की तरह हमें लॉन्ग टर्म तक मदद करेगी। और कोई किसी का डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके ट्रबल जी, अभी इस पे आएंगे, अभी तक जितना मैंने पढ़ाया वहां से कुछ डाउट है तो बताओ। ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोगों ने आउटपुट गैप देख लिया, पॉजिटिव गैप, नेगेटिव गैप, इसको देख लिया है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है उसे देख लिया है। अब इंडिया के अंदर तीन मेथड्स होते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। कौन कौन से तीन मेथड इंडिया के अंदर यूज होते हैं? फर्स्ट वन इज इनकम मेथड, सेकंड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड, थर्ड वन इज प्रोडक्शन मेथड। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड कैसे है। समझिए, देखो एक तरफ है हाउस होल्ड इकोनॉमी के अंदर, एक तरफ है बिजनेस फर्म यानी इंडस्ट्री बिजनेस फर्म। अब हाउस होल्ड ने मान लीजिए फ्रिज की डिमांड की है कि हमें रेफ्रिजरेटर चाहिए, हमें रेफ्रिजरेटर चाहिए। बिजनेस फर्म जितनी डिमांड होगी उस हिसाब से उसे प्रोड्यूस करेगी, उस हिसाब से उसे प्रोड्यूस करेगी। हाउस होल्ड इसे पे करेंगे यानी एक्सपेंडिचर करेंगे। जितना एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड्स ने किया है उतनी ही इनकम बिजनेस फर्म की होगी। मतलब या तो हम सभी लोगों की इनकम को जोड़ लें या हम सभी लोगों का एक्सपेंडिचर जोड़ लें, इन दोनों ही मेथड से नेशनल इनकम सेम आनी चाहिए। अब बात आती है प्रोडक्शन मेथड की। जितना खर्चा, जितना एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड ने किया है यानी उतनी ही डिमांड हाउस होल्ड ने की है, जितनी वैल्यू की डिमांड हाउस होल्ड कर रहे हैं उसी हिसाब से बिजनेस फर्म उतनी ही वैल्यू को प्रोड्यूस कर रही है। तो यहां से एक एस्टिमेटेड वैल्यू आ जाती है कि एक्सपेंडिचर मेथड से जो आंसर आएगा वही बराबर होगा प्रोडक्शन मेथड के। तो ये तीनों ही मेथड नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में सही होते हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड प्रोडक्शन मेथड। इनकम मेथड में देखिए, आप लोगों ने क्लास प्लस टू में पढ़ा होगा कि देयर इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर ऑफ इनकम। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये चार चीज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होती है। लैंड से इनकम हो रही है रेंट, लेबर से इनकम हो रही है वेजेस, कैपिटल से इनकम हो रही है इन्वेस्टमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप से प्रॉफिट। इन सब चीजों को जब ऐड कर दिया जाता है पूरे इंडिया के अंदर, जो आंसर निकल के आएगा दैट इज नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड, नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है? पूरे नेशन का एक्सपेंडिचर कैलकुलेट किया जाता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम इसका फॉर्मूला होता है। सी स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन, आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, जी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट एंड एम स्टैंड फॉर इम्पोर्ट। आप लोगों के जहन में ये प्रश्न उठ सकता है कि इम्पोर्ट को माइनस क्यों किया है, हम तो उसे खर्च कर रहे हैं तो इम्पोर्ट को माइनस क्यों कर रहे हो? देखो, ये जितना भी इम्पोर्ट है वो कंजम्पशन में ऑलरेडी आ चुका है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हमने फॉरन से राइस को इम्पोर्ट किया है, अब वो राइस जो है कंजम्पशन के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। डबल काउंटिंग से बचने के लिए इस इम्पोर्ट को हमने यहाँ पे माइनस कर दिया है। तो ये एक्सपेंडिचर मेथड होता है। नीचे सभी की इनकम जोड़ देना, इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकाली जाती है। एंड प्रोडक्शन मेथड में क्या किया जाता है? प्रोडक्शन मेथड में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एक साल में प्रोड्यूस हो रही हैं
उसकी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना, उसका सम्मिशन, मार्केट वैल्यू का सम्मिशन प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का तरीका है। तो इंडिया के अंदर ये थ्री मेथड्स हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड प्रोडक्शन मेथड। इन तीनों मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है। अब कौन कौन सी आइटम्स इंक्लूड होती है जीडीपी में और कौन कौन सी आइटम्स एक्सक्लूड होती है जीडीपी में, ये देखना। देखिए, अब एक्सपेंडिचर और प्रोडक्शन, इट मे बी डिफरेंट। कैसे? मान लीजिए 100 चेयर्स का प्रोडक्शन होता है नेशन में, इंडिया के अंदर 100 चेयर्स का प्रोडक्शन हुआ, उसमें से 80 चेयर्स की सेलिंग हो चुकी है, यानी 80 चेयर का एक्सपेंडिचर पहुंच चुका है, लेकिन 20 चेयर्स अभी इन्वेंट्री में रखी है, स्टॉक में रखी है, 20 चेयर्स इन्वेंट्री में रखी है। तो जब भी जीडीपी कैलकुलेट की जाती है उसके अंदर इन्वेंट्री को इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि वो देश की प्रोडक्शन के अंदर इंक्लूड हो चुका है, देश में प्रोडक्शन में उसकी काउंटिंग हो चुकी है। तो इन्वेंट्री को यानी स्टॉक्स को इंक्लूड किया जाता है जीडीपी में। सेकंड जो की टर्म है, दैट इज मार्केट गुड्स। हमेशा जीडीपी में केवल मार्केट गुड्स को काउंट किया जाता है। मार्केट गुड्स का क्या मतलब है? मान लीजिए किसी ने कोई सीए हायर किया या किसी ने कोई क्लीनर हायर किया। अब किसी ने कोई क्लीनर हायर किया है तो उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, उसको पे देनी पड़ेगी, यानी किसी ना किसी का एक्सपेंडिचर हो रहा है और किसी ना किसी की इनकम देश के अंदर जुड़ रही है। तो क्लीनर को हायर किया है उसकी पे को इंक्लूड करेंगे, लेकिन अगर खुद से ही कोई अपना घर या अपनी शॉप को क्लीन कर रहा है, उसने कुछ हायर नहीं किया है, खुद से ही कोई काम कर रहा है, तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। हमारी मदर हमारे लिए जो भी कर रही है, जिसको केयर इकोनॉमी कहा जाता है, हमारे लिए घर के काम कर रही है, खाना बनाना एंड ऑल दैट, केयर इकोनॉमी जिसे कहा जाता है, वो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि दैट इज नॉट अ मार्केट गुड। वो इंसान खुद के लिए खुद कर रहा है, और ये जीडीपी का एक लिमिटेशन भी है कि केयर इकोनॉमी को इंक्लूड नहीं किया जाता है। अगली जो टर्म है, दैट इज ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड। क्या मतलब हुआ फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड का? मान लीजिए एक कार का प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया में, कार प्रोड्यूस हुई, अब इस कार में टायर लगे हैं, 4 टायर्स लगे, ये टायर किसी और इंडस्ट्री के अंदर बन के तैयार हुए होंगे। अगर हमने ये टायर जब उस इंडस्ट्री के प्रोडक्शन में काउंट कर लिए और फिर से जब कार बनके तैयार होती है, असेंबल होके तैयार होती है, इन टायर्स की काउंटिंग फिर से कार के अंदर इंक्लूड हो गई, तो यहां पे इन टायर्स की काउंटिंग 2 बार हो गई, यानी डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ गई। तो इकोनॉमी ने क्या इस चीज का सॉल्यूशन निकाला कि इंटरमीडिएट गुड्स जितने भी हैं उनको इंक्लूड मत करो, ओनली फाइनल गुड्स को इंक्लूड करो। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज इम्प्यूटेड वैल्यू, उसको इंक्लूड किया जाता है। आप यहाँ पे इसका एक और मीनिंग समझ सकते हैं ऊपर फाइनल गुड्स का, कि इंटरमीडिएट गुड्स आर एक्सक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी। इम्प्यूटेड वैल्यू क्या होती है? कुछ अनुमान लगा लिया जाता है कि हम मान के चलते हैं कि इसकी वैल्यू इतनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के अंदर जितने भी होम हैं, जितने भी हाउस हैं, उनकी एक इम्प्यूटेड वैल्यू को काउंट कर लिया जाता है, एक रेंटेड वैल्यू को काउंट कर लिया जाता है, कि इन केस अगर ये घर इनके खुद का ना होता और ये रेंट पे होता तो इनका कितना और एक्सपेंडिचर होता। तो जितने भी हाउस हैं सभी की एक रेंट की इम्प्यूटेड वैल्यू कैलकुलेट कर ली जाती है और उसको जीडीपी में इंक्लूड कर लिया जाता है। तो इम्प्यूटेड वैल्यू याद रखना, हमेशा इंक्लूडेड होती है। नेक्स्ट जो की टर्म है, दैट इज रीसेल। क्या रीसेल इंक्लूड होती है? अब मान लीजिए किसी के पास स्कूटी है, जब स्कूटी नई बनी होगी उसका प्रोडक्शन काउंट हो चुका है देश में, अब जब आप उस स्कूटी को फिर से रीसेल करते हो तो दोबारा से उसकी रीसेलिंग को जीडीपी में काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो एक्चुअल देश के अंदर उस साल में कोई प्रोडक्शन नहीं हुई है, वो प्रीवियस ईयर की प्रोडक्शन थी, तो रिसेंट ईयर के अंदर उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस कमीशन, जिस एजेंट के थ्रू इस स्कूटी का सौदा हुआ है, इस स्कूटी की सेलिंग हुई है, वो एजेंट को कुछ ना कुछ कमीशन मिला होगा,
वो उसकी इनकम है, एजेंट के कमीशन को नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। बहुत ध्यान से इन चीज़ों को समझना। सेकेंड हैंड गुड्स को, जैसे मैंने स्कूटी का एग्जाम्पल दिया, इंक्लूड नहीं होंगे। केवल जो एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर में न्यूली प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं, ओनली वही इंक्लूड होंगे जीडीपी में। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? कोई भी ऐसी सर्विस जो एक तरफा हो, जो यूनिलेटरल हो। फॉर एग्जाम्पल, ए व्यक्ति है और बी पर्सन है, ये दो अलग अलग पर्सन है। ए ने बी को कुछ गिफ्ट किया, लेकिन बी ने बदले में ए को कुछ नहीं दिया। अब इससे देश की इकोनॉमी पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो जितनी भी ट्रांसफर पेमेंट होती है वो इंक्लूड नहीं होती। ट्रांसफर पेमेंट क्या है? जैसे पेंशन एक ट्रांसफर पेमेंट है, गवर्नमेंट तो दे रही है लेकिन बदले में कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो रही है। जैसे स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट ने तो दे दी लेकिन बदले में कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हुई। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उसे ट्रांसफर पेमेंट कहा जाता है और वो सब कुछ एक्सक्लूड होता है जीडीपी से। तो हमारी ये कुछ चीज़ें थी जो जीडीपी में इंक्लूड एंड एक्सक्लूड की जाती है। यहाँ तक आप लोगों को कुछ भी डाउट है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ भी डाउट यहां तक है आप पूछ सकते हैं। एक्चुअल जीडीपी, निखिल जी मैं अभी रिपीट कर देती हूं। निखिल जी का क्वेश्चन है एक्चुअल जीडीपी। एक्चुअल जीडीपी क्या है? देखिए इसे समझिए, एक्चुअल जीडीपी क्या है। मान लो मैं ऐसा मानती हूं कि इंडिया को अपनी जीडीपी बूस्ट करनी है। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? हमको अपने देश की प्रोडक्शन बूस्ट करनी है, हमको अपने देश की प्रोडक्शन बूस्ट करनी पड़ेगी, गुड्स की या सर्विसेज की। प्रोडक्शन के लिए हमको डिमांड बूस्ट करनी पड़ेगी। डिमांड बूस्ट करने के लिए लोगों के पास मनी का होना जरूरी है, और मनी बूस्ट करने के लिए सरकार या तो सब्सिडीज दे रही है, या रेट ऑफ इंटरेस्ट को लो कर दिया, या कुछ और तरीके अपनाए जिससे लोगों के पास पैसा ज्यादा हो गया। मतलब गवर्नमेंट के एफर्ट्स की वजह से लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। अब जब लोगों के पास पैसा ज्यादा हो जाएगा तो वो देश में इन्फ्लेशन लेके आएगा, महंगाई लेके आएगा, वैल्यू ऑफ मनी गिर जाएगी। तो मतलब बहुत ज्यादा समय तक गवर्नमेंट की ये ट्रिक्स काम नहीं करेंगी। लेकिन आपको उस करंट ईयर के अंदर जीडीपी बढ़ा हुआ दिख जाएगा, चाहे वो किसी भी तरीके से बढ़ा। भाई पोटेंशियल जीडीपी हमारा 100 रुपीज था, ठीक है, और सरकार ने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को लो करके लोगों की डिमांड बूस्ट कर दी, लोगों के पास पैसा ज्यादा पहुंचा दिया, और ये जीडीपी 200 रुपीज उस करंट ईयर के लिए कर दिया। ये 200 रुपीज हमारा उस साल का एक्चुअल जीडीपी हो गया। लेकिन क्या आप समझ सकते हैं कितने टाइम तक ऐसा चलेगा? आप कितने टाइम तक इंटरेस्ट रेट को लो करके रखोगे? देश को प्रॉफिट भी तो चाहिए। अगर इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है तो पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। तो उस परिस्थिति के अंदर क्या होता है, हम पोटेंशियल जीडीपी देखते हैं। पोटेंशियल जीडीपी क्या है? जहां पे गवर्नमेंट ने कुछ छेड़छाड़ नहीं की है, खुद से ही हमारी जीडीपी ग्रो हो रही है। लेकिन जहां पे इंटेंशनली गवर्नमेंट ने जीडीपी को ग्रो किया है उसको एक्चुअल जीडीपी कह रहे हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और कुछ किसी को डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं। निखिल, मैंने एक्चुअल एंड पोटेंशियल अभी आपको दोनों बताए हैं। मैं मान के चल रही हूं आपको यहां तक कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम, जो अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? देखो दो टर्म होती है, एक होती है हमारी रियल जीडीपी और एक होती है हमारी नॉमिनल जीडीपी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम पॉलिटी के अंदर रियल हेड
एंड नॉमिनल हेड पढ़ते हैं. रियल जीडीपी इन रियलिटी जो हमारी जीडीपी है. नॉमिनल जीडीपी केवल नाम मात्र है, नाम की जीडीपी है, वास्तविकता नहीं है. समझिए इसको क्या होता है. मैं दो टाइम ले रही हूँ. एक टाइम लिया मैंने 2011-12 का और एक टाइम मैंने लिया 2019-20 का. 2011-12 में मैं ऐसे मान रही हूँ कि 100 पैकेट्स ब्रेड के प्रोड्यूस हुए. 2019-20 में भी 100 पैकेट्स ब्रेड के प्रोड्यूस हो रहे हैं. 2019-20 में इन ब्रेड की कीमत है मान लीजिए 20 रुपीज पर पैक. तो यहां से हमारी जीडीपी कितनी आ गई, 20 × 100 दैट इज 2000 हमारी जीडीपी आ गई. ये कौन सी जीडीपी है, ये हमारी करंट ईयर की जीडीपी है. क्योंकि इसमें हमने क्या किया है, हमने इसमें करंट ईयर का ही प्रोडक्शन देखा है. प्रोडक्शन भी हमारा करंट ईयर का था और हमारा प्राइस भी करंट ईयर का है. अब इससे हमको देश की हकीकत नहीं पता लगी है, रियलिटी पता नहीं लगी है हमें कि इन्फ्लेशन कितना हुआ है. अब क्या करें, ये हमारी नॉमिनल जीडीपी है. अगर हमको रियल जीडीपी पता करनी है तो हमें ये देखना है ये जीडीपी इन्फ्लेशन की मदद से तो नहीं बढ़ी है. आप इसको इस तरीके से समझिए, मैं आपको और बेसिक करके इसको समझाने की कोशिश करती हूँ. एक मिनट. देखिए कुछ भी डाउट है आप लोग मुझसे साथ साथ क्लियर करते रहें. और अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट लेने के लिए जो रेफरल कोड मैंने आप लोगों को बताया है RANK10 वो आप यूज़ करें, आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा. इसको हम थोड़ा और बेसिक तरीके से समझते हैं. का एग्जाम्पल लेते हैं. मान लीजिए 2019-20 में 100 पैक ब्रेड के प्रोड्यूस हुए हैं और 2014-15 में भी 100 पैक मैंने मान लिया ब्रेड के प्रोड्यूस हुए हैं. 1920 में पर पैक की कीमत है 20 रुपीज, तो जीडीपी कितनी आ गई, 2000. लेकिन ये जीडीपी इस तरीके से भी बढ़ सकती है, अगर इन पैक की कीमत 40 रुपीज़ पर पैक हो जाए तो हमारी जीडीपी कितनी दिखेगी, 4000. लेकिन प्रोडक्शन तो उतना ही है, प्रोडक्शन तो 100 पैकेट ऑफ ब्रेड्स ही है. हकीकत में प्रोडक्शन तो बढ़ा ही नहीं. क्या बढ़ी है, इन्फ्लेशन बढ़ी है, प्राइस बढ़े हैं चीज़ों के, जिसकी वजह से जो जीडीपी कैलकुलेशन है वो मिसलीड हो जाती है, वो मिसइंटरप्रेट हो जाती है. तो इस चीज़ के लिए इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए इकोनॉमिस्ट कंसेप्ट लेके आए, कौन सा, जीडीपी डिफ्लेटर. इसको यहाँ पे समझते हैं हम लोग कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या है और कैसे ये यूज़ किया जाता है. जीडीपी डिफ्लेटर, रियल जीडीपी निकालने के लिए और नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाता है. रियल जीडीपी में प्रोडक्शन ऑफ करंट ईयर, प्रोडक्शन ऑफ करंट ईयर इनटू प्राइस ऑफ बेस ईयर. अभी कंफ्यूज मत होना, मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से इसे समझाऊंगी. नॉमिनल जीडीपी में हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ करंट ईयर इनटू प्राइस ऑफ करंट ईयर. अब देखो 100 पैकेट्स ऑफ ब्रेड के प्रोड्यूस हुए थे और एक ब्रेड की कीमत 20 रुपीज. हो सकता है प्रीवियस ईयर में ये पैकेट्स ऑफ ब्रेड 15 रुपी का एक आता हो. आज की डेट में जीडीपी 2000 दिख रही है. अगर ये पैकेट ऑफ ब्रेड 15 रुपीज का होता तो जीडीपी कितनी दिखती, 1500 दिखती. प्रोडक्शन सेम है लेकिन प्राइस बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमें नॉमिनल जीडीपी बढ़ी हुई दिख सकती है. इस इन्फ्लेशन को नलीफाई करने के लिए हम रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं. रियल जीडीपी में देखिए क्या होता है, रियल जीडीपी के अंदर प्रोडक्शन ऑफ करंट ईयर कितना था, आज करंट ईयर का प्रोडक्शन 100 पैकेट ऑफ ब्रेड्स.
अब देखेंगे कि बेस ईयर जो 2011-12 लिया जाता है, बेस ईयर के अंदर प्राइस कितने थे। हमें पता लगा कि 11-12 में इन पैकेट्स के दाम 10 रुपीज पर पैकेट था, तो हमारी रियल जीडीपी कितनी निकल के आई है, 1000 रुपीज हमारी रियल जीडीपी निकल के आती है। तो रियल जीडीपी हमें हकीकत बता रही है, इन्फ्लेशन को हटा के, इन्फ्लेशन को नलीफाई करके हमको वास्तविकता बता रही है देश की कि जीडीपी कितनी है। नॉमिनल जीडीपी में क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन साथ साथ चले जा रहा है, प्रोडक्शन तो उतना ही है लेकिन प्राइस इंक्रीज होने से हमें जीडीपी बढ़ी हुई दिखती है। तो जीडीपी डिफ्लेटर देखो क्या है, नॉमिनल जीडीपी को, यानी जो करंट वाली जीडीपी आई है, जो आज के टाइम में रिसेंट ईयर के अंदर जो जीडीपी है उसमें से इन्फ्लेशन को माइनस कर दिया जाता है। या नॉमिनल जीडीपी का क्या हम इसका फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं, नॉमिनल जीडीपी यानी जिसको करंट जीडीपी भी कहा जाता है, डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100, यहां से इनटू 100, यहां से जो हमारा आंसर निकलेगा दैट विल बी जीडीपी डिफ्लेटर। क्या किया हमने, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100, ये जो आंसर आप लोगों का आएगा डिफ्लेटर निकलेगा, यहां से डिफ्लेटर निकल जाएगा और यहां से पता लग जाएगा कि हमारी रियल जीडीपी कितनी है और कितनी हमें नॉमिनल इन्फ्लेशन की वजह से दिख रही है। तो जीडीपी डिफ्लेटर ये कंसेप्ट है जो इन्फ्लेशन को नलीफाई कर देता है। इन केस हमारा रियल जीडीपी ज्यादा आ जाता है नॉमिनल जीडीपी से, इसका मतलब क्या हुआ कि देश में इन्फ्लेशन रहा ही नहीं, देश में डिफ्लेशन था। नहीं तो हर केस में अगर इन्फ्लेशन है तो हमारी रियल जीडीपी वो छोटी होनी चाहिए नॉमिनल से। इन केस अगर रियल जीडीपी ज्यादा है नॉमिनल जीडीपी से तो उस केस में डिफ्लेशन होता है उस करंट ईयर। तो ये कंसेप्ट था जीडीपी डिफ्लेटर का, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर कुछ भी डाउट है आप लोग पूछिए जीडीपी डिफ्लेटर से रिलेटेड। कुछ भी डाउट है आप लोग पूछिए जीडीपी डिफ्लेटर से रिलेटेड, अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके, आई होप आप लोग समझ चुके हैं। देन व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर, इट इज नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल इनटू 100, जो इन्फ्लेशन को खत्म कर देता है, इन्फ्लेशन के इफेक्ट को खत्म कर देता है। आगे बेस ईयर, जीडीपी के लिए अभी बेस ईयर चुना हुआ है 2011-12 का, और ये बेस ईयर टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। कुछ देश ऐसे हैं जिसमें प्रीवियस ईयर को ही बेस ईयर लिया जाता है, तो क्या वजह है कि भारत का बेस ईयर इतना पीछे लिया गया है, और बेस ईयर की जरूरत ही क्या होती है। देखिए, जिस साल से हम कंपेयर कर रहे हैं चीजों को उसको बेस ईयर कहा जाता है। तो CSO यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन डिसाइड करती है, वो किन किन चीजों का ध्यान रखती है कि एक तो बेस ईयर क्लोज होना चाहिए करंट ईयर के, मतलब ऐसा नहीं कि करंट ईयर चल रहा है 2020-21 और आप लोग बेस ईयर उठा लें 1989 का, बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ये कोशिश करती है CSO। नेक्स्ट है, क्या चीज़ देखा जाता है बेस ईयर के लिए, कि डाटाज जो है वो रिलायबल बेसिस पे अवेलेबल हो जाए, ऐसा नहीं कि इतना पुराना उठा लिया कि उसके डाटाज ही हमें नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसा बेस ईयर चुनना चाहिए जिसके डाटा रिलायबल हो, मिल जाए आसानी से। तीसरा जो क्राइटेरिया है बेस ईयर को चुनने के लिए, कि वो जो ईयर जिसको आप बेस ईयर चुन रहे हैं वो एक्सेप्शनल नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पे कुछ कोरोना का केस हुआ हो जैसे जो इस साल हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में तो देखो, ये तो एक्सेप्शनल केसेस हैं, हमारी इकोनॉमी नीचे जाएगी ही जाएगी, और अब तो पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे ही जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो इकोनॉमी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा था, या कुछ वॉर हो जाए या कहीं ड्रॉट आ जाए, तो ऐसे जब भी केसेस होते हैं उस साल को बेस ईयर नहीं लिया जाता, क्योंकि उस साल में जितने भी डाटाज हैं वो ऑटोमेटिक इफेक्टेड होंगे ही होंगे। तो बेस ईयर को चुनने के लिए करंट ईयर के पास होना चाहिए, डाटा अवेलेबल रिलायबल बेसिस पे हो जाना चाहिए, और डीमोनेटाइजेशन, ड्रॉट, वॉर या ऐसा कुछ भी एक्सेप्शनल केस बेस ईयर को लेके नहीं होना चाहिए। क्योंकि बेस ईयर देखो जब भी अपडेट किया जाता है ना, तो बहुत सारी कॉमोडिटी उसके अंदर ऐड हो जाती है और बहुत सारी कॉमोडिटी उसके अंदर से निकल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम कैथोड रे ट्यूब CRT वाला TV यूज़ करते थे, सबके घरों में होता था, लेकिन आज के टाइम पे हम LED यूज़ करते हैं। पहले कैलकुलेटर यूज़ किए जाते थे, आज मोबाइल के अंदर ही कैलकुलेटर
हो जाता है तो कैलकुलेटर की सेलिंग बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है। तो क्या किया, सीआरटी वाला टीवी को वहाँ से एक्सक्लूड कर दिया, जो भी हमारी लिस्ट होती है जीडीपी निकालने के लिए, और एलईडी को उसके अंदर इंक्लूड कर दिया। इसी तरह कैलकुलेटर को एक्सक्लूड कर दिया, मोबाइल्स को, एंड्रॉयड फ़ोन्स को इंक्लूड कर दिया। जो लैंडलाइन पहले लगते थे अब उन्हें नहीं लगाया जाता है, उन्हें एक्सक्लूड कर दिया, मोबाइल फ़ोन्स को इंक्लूड कर दिया। तो जब भी बेस ईयर चेंज होता है, ये देखा जाता है कि जैसे ही डिफरेंस ज़्यादा दिखने लगे चीज़ों में या प्राइसेस में, उस समय बेस ईयर को चेंज कर दिया जाता है। और कौन करता है इसको चेंज? CSO, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, दैट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मोस्पी जिसको एब्रीविएशन में कहा जाता है। There is another term, seasonality. What is seasonality? देखिए, जब भी comparison होता है, जब भी compare किया जाता है, तो season to season basis पे किया जाता है। कैसे? season to season का क्या मतलब है? अगर आप आज के साल में मानसून सीजन के अंदर, या आप ऐसे मान के चले कि थर्ड क्वार्टर का GDP आप देख रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर के भी थर्ड क्वार्टर से ही कंपेयर करो। अगर आप सेकेंड क्वार्टर का GDP देख रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर के भी सेकेंड क्वार्टर से ही कंपेयर करो। इसको सीजनैलिटी कहा जाता है, कि सीजन टू सीजन एंड सेम क्वार्टर पे ही कंपेयर करना चाहिए। तो जो प्रश्न था अभी एक स्टूडेंट का, कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर नेशनल इनकम आती है, दैट इज अंडर CSO इसको कैलकुलेट करता है, एंड दैट इज अंडर MOSPI। और अलग अलग जगह से इन डाटाज को कैलकुलेट किया जाता है, जैसे NSSO का भी डाटा कैलकुलेट किया जाता है, अलग अलग जगह से इन डाटाज को लिया जाता है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन सेंट्रल लेवल पे डाटाज को कैलकुलेट करती है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करती है, और स्टेट लेवल पे स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टेटिस्टिक्स के अंडर ये सब काम आता है। और हमने अभी 2015 में न्यू GDP सीरीज को चुना है, जिसमें MCA 21, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर के सॉफ्टवेयर से, यहाँ से सारा डाटा को लिया गया है। एक नई टर्म ऐड की गई है, ग्रॉस वैल्यू ऐड, और बेस ईयर को हमने 2015 में 2011 और 12 चेंज कर दिया है, जो पहले कुछ और था, जो पहले 2004 एंड 5 था। तो आज की सीरीज में हम इतना ही करेंगे। कुछ भी डाउट अगर आप लोगों को है, आप लोग पूछ सकते हैं, प्लीज़ रिवाइज करते रहें। और अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन के लिए रेफरल कोड यूज़ कीजिए, RANK10, डिस्काउंट आपको मिलेगा। एंड कुछ भी डाउट है, इसको रिवाइज कीजिए, हम कल फिर से लाइव सेशन करेंगे। मैं पहले आप लोगों से प्रीवियस ईयर की क्लास के डाउट्स लूँगी, कुछ भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं। Thank you.